सब्सक्राइब कीजिए चैनल जायकेदार खाने को और न्यू रेसिपी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। आज मैं आपके साथ कचौड़ियों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। खस्ता कचौड़ी सभी को बहुत पसंद होती है, तो चलिए आज इनको हम घर पे ही बनाते हैं। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम आटे के लिए सामान देख लेते हैं। 2 कटोरी मैंने मैदा लिया है, 2 कटोरी मतलब 200 ग्राम मैदा, और 50 ml तेल लिया है, आधा चम्मच नमक। पिट्ठी के लिए सामान देख लेते हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच धनिया को मैंने दरदरा पीस लिया है। आधा छोटा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1 पिंच हींग और 2 हरी मिर्चियों को बारीक कट लिया है जी। 1 कटोरी मूंग की दाल है पीसी हुई। मैंने आधा कटोरी मूंग की दाल लेके इसको भिगा दिया था 2 घंटे पहले, पूरी तरह से इसका पानी निकाल कर इसको दरदरा पीस लिया है, तो ये 1 कटोरी हो गई है। 2 चम्मच बेसन और बारीक कटा धनिया पत्ती। सबसे पहले हम अपना आटा तैयार कर लेते हैं। आटे में हम 1 बड़ा टेबल स्पून घी डाल देते हैं। यहाँ मैंने शुद्ध घी लिया है, इससे हमारी कचौड़ियाँ बड़ी क्रिस्पी बनेंगी। इसमें हम तेल डाल देते हैं। तेल और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो अच्छे से तेल और घी इसमें मिक्स हो चुका है, अब इसमें नमक डाल देते हैं। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका नरम आटा गूंद लेंगे। ज़्यादा नरम डो भी नहीं बनाना है, ना ज़्यादा कड़क। जिस तरह से हम रोटी का डो बनाते हैं उसी प्रकार इसको भी गूंद के तैयार कर लेंगे। देखिए जी, इस तरह से पानी डाल के मैंने डो तैयार कर लिया। अब इसको हम 5 मिनट तक इसी तरह गूंदते रहेंगे। ये डो तैयार हो चुका है, अब इसको हम 15-20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। जब तक हमारा डो तैयार हो रहा है हम इसकी पिट्ठी तैयार कर लेते हैं। जो पैन में मैंने 2 छोटे चम्मच तेल डाल दिया है, तेल गरम हो जाने देंगे जरा, अभी हुआ नहीं अच्छे से तेल गरम। इसमें अब हम जीरा डाल देते हैं, सौंफ और धनिया जिसको हमने दरदरा पीस लिया था, हींग डाल देंगे। हरी मिर्च, ये सूखे मसाले सभी डाल देंगे। मसाले 1 मिनट भून लिए हैं, 1 मिनट से भी कम समय मसाले भून गए हैं। इसमें आप बेसन डाल लेंगे और बेसन को ब्राउन होने तक अच्छे से मसालों के साथ भूनते रहेंगे, इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। बेसन अच्छे से ब्राउन हो चुका है, इसमें अब मैं मूंग की दाल डाल दूंगी। अब मूंग की दाल को इन मसालों के साथ पूरी तरह अच्छे से जब तक वो ड्राई ना हो जाए भूनते रहेंगे। ये देखिए दाल अच्छे से भून चुकी है, इसको भूनने में मेरे को 8 से 10 मिनट लगे। अब इसमें धनिया पत्ती ऐड कर देते हैं और गैस को ऑफ कर दूंगी। इसको अब मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूंगी और ठंडा होने। देखिए ये आटा अच्छे से सेट हो चुका है, अब मैं इसकी लोइयां तोड़ लेती हूँ। नींबू के बराबर लोइयां तोड़ लेंगे इस तरह से। ये सारी लोइयां तोड़ ली है, लगभग 12 लोइयां मेरी बनी है 2 कटोरी मैदे से। अब मैं इसको चिकना कर लेते हैं इस तरह हाथों से दबाते हुए। जिस तरह से हम लोई रोटी की लोई को चिकना करते हैं उसी तरह से इसको भी चिकना कर लेंगे। देखिए जो गोल लोई तैयार हो गई है, इस तरह मैं दूसरी भी कर लेती हूँ। अब इसी प्रकार मैं सारी लोइयां तैयार कर लेती हूँ। ये सारी लोइयां मैंने तैयार कर ली हैं।
अब मैं इसके अंदर पिट्टी भरूंगी। जब तक कढ़ाई में तेल रख दिया है, तेल यहाँ ज्यादा लिया है क्योंकि कचौरी को हम डीप फ्राई करेंगे। अभी लोइयों में मैं पिट्टी भर लेती हूँ, इनको बेल लेंगे। जिस तरह से हम पूरी बेलते हैं उसे थोड़ा छोटा साइज रखेंगे, इसको हम बेल लेंगे। ज्यादा पतला नहीं करेंगे, मोटा ही रखेंगे। इतना बड़ा साइज दे लिया है। इसके अंदर 1.5 चम्मच हम पिट्टी भर देंगे और इसको आटे को इस तरह से उठाते हुए सेंटर में लाके इसको इकट्ठा करके इस तरह से दबा देंगे। अच्छी तरह से दबाएंगे जिससे तलते समय यह फटे नहीं, और इसको इस तरह से ही इसके अंदर दबाते हुए इसको बेल लेंगे। हल्के हाथों से बेलना है। जब तक मैं कचौड़ियां तैयार कर रही हूं, गैस ऑन कर दिया है। तेल को हम ज्यादा गर्म नहीं करेंगे, इसको मीडियम गर्म करके गैस को स्लो कर लेंगे। फर्स्ट वाली का इतना बड़ा साइज रखा है मैंने, अब इसके अंदर भी हम भर लेते हैं। सेंटर में इसको अच्छे से हम दबाएंगे जिससे तलते समय हमारा मसाला बाहर ना निकले। हम चाहे तो इसको हाथों से भी शेप दे सकते हैं, बेलन से भी बेल सकते हैं। इसी तरह मैं 4 कचौरियां तैयार कर लेती हूं। तेल हल्का गर्म हो चुका है, मैंने गैस को स्लो कर दिया है और जिस तरफ से हमने इसका मुंह बंद करा था उसको नीचे तरफ से डालते हुए इनको डाल देंगे। हल्के गर्म तेल में ही डालना है। एक बार में 4 से 5 कचौड़ियां ही डालें। इन कचौड़ियों को तलने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। जब ये कचौड़ियां तलाना शुरू हो जाएंगी तो अपने आप फूल के ऊपर आने लगेंगी। इसके बाद मैं इनको पलटूंगी। जब तक ये कचौड़ियां तला रही हैं, मैं बाकी की कचौड़ियां तैयार कर लेती हूँ। कचौड़ियां फूल के ऊपर आ चुकी हैं, अब इनको पलट लेंगे। इनको जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये हल्की ब्राउन ना हो जाए, डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं जिस तरह से आपको रखना हो। इनको धीमी आंच पे अब मैं दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई होने दूंगी। अब इनको एक बार और पलट लेती हूं मैं। अच्छे से लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है, कचौरियां अच्छे से ब्राउन हो चुकी हैं। अब इनको मैं टिश्यू पेपर पर निकाल लेती हूँ। बहुत कचौरियां अच्छे से फूल के तैयार हुई हैं। अब मैं बची हुई बाकी की कचौरियां इसमें डाल देती हूँ और सारी कचौरियों को इसी प्रकार तल लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये सारी कचौरियों को मैंने तल के निकाल दिए हैं। बहुत अच्छी फूली फूली कचौरियां बनी हैं, एकदम खस्ता कचौरी बनके तैयार हुई हैं। इन कचौरियों को हम एयर टाइट कंटेनर में भर के 1 सप्ताह तक भी रख के खा सकते हैं। इनको मैंने हरी मिर्चियों के साथ सर्व किया है। ये टमाटर की चटनी, इमली की चटनी है, जिस चटनी के साथ आप खाना चाहें इन कचौरियों को खाइए। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।